We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't. Hi, this is Engineer Nedakundisar Biswa, BTech in Mechanical Engineering. You are watching Karaput ITI online classes for engineering drawing. So without wasting any more time, let's start it. Hi, welcome back to Karaput ITI online classes for engineering drawing. आज रो वीडियो हमें सेकंड ईयर स्टूडेंट्स मानो पाई करछ सेकंड ईयर फ्यूचर स्टूडेंट्स मानो पाई कहीं ना बहुत स्टूडेंट मते रिक्वेस्ट करले जे सेकंड ईयर कोर्स बा सिलेबस ऊपर किछि इंजीनियरिंग ड्राइंग रो क्लासेस करंतु सेति में हमर जो क्लासेस थिला से क्लासेस कंटिन्यू रहइबो बट ए जो क्लासेस गुडा गछि सेकंड ईयर सिलेबस को बेस करके होछि सो आई होप समस्ते एंजॉय करबे क्लासेस सो सेकंड ईयर सिलेबस को जदि हम कवर करबा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिबा मेथड्स ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग जोटा कि फर्स्ट ईयर रे भी अछि बट स्टिल मो सेकंड ईयर रे भी एटा टिके रिकॉल करके क्लासेस स्टार्ट करबा चाहिबी काहेकि ना जो माने भी ए सब ऊपर पिक्टोरियल ड्राइंग ऊपर बेसिक नॉलेज नथिबो से मानंकु व्यूज ए सब प्रोजेक्शन करिवारे टिके प्रॉब्लम हुए दैट्स व्हाई मो एट हु स्टार्ट करछि सो देखिबा पिक्टोरियल ड्राइंग्स बिषयरे पिक्टोरियल ड्राइंग इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड इजीली द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्विकली बाय ए पिक्चर और बाय ए पिक्टोरियल ड्राइंग गोटे कॉमन मैन मध्य नॉर्मल लोक आम तो इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन हिसाब से ट्रेंड होचे स्टिल गोटे कॉमन मैन भी जदि गोटे पिक्टोरियल ड्राइंग को देखुची ताहले भी से इमेज को देखिकी बहुत इजिली सब किसी बुझीपार कौन ये जिनस को प्रकार जिनस जोटा कि थ्री डायमेंशनल आम शो करूँ थ्री डायमेंशनल व्यू रे आम शो करूँ तो पिक्टोरियल ड्राइंग आर वेरी यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ ए पीस पार्ट और कंपोनेंट इवन टू द हैव ए डिस्टॉर्ट लुक माने पिक्टोरियल ड्राइंग बेसी यूजफुल कहीं माने जेकोनोसी पार्ट जेकोनोसी कंपोनेंट को मध्य आम इजिली बुझीपर आउ डिस्क्राइब कर जो वे ऑफ ड्राइंग रे सो से थ्री टाइप्स अच्छी आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑब्लिक ड्राइंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये गोटे एग्जांपल अच्छी आइसोमेट्रिक ऑब्लिक आउ रहिला पर्सपेक्टिव सो आइसोमेट्रिक रे आम देखिपारछु आइसोमेट्रिक आउ ऑब्लिक भितर केमती डिफरेंस अच्छी आम देखिपारछु आइसोमेट्रिक कौन बेस सहित पैरेलल नहीं ये बेस सहित पैरेलल रहुची फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग कौन ये जो एंगल रहुची ये 30 डिग्री यार जो ऑब्जेक्टर बेस गुड़ाक 30 डिग्री फॉर्म करछन्दे आउ ये 120 डिग्री रे ही तैयारी होउची बट इन केस ऑफ ऑब्लिक ये पैरेलल टू द बेस आउ बोथ टाइप्स ऑफ ड्राइंग रे हमें बहुत डिटेलिंग पाई परबा ड्राइंग रो नॉलेज बहुत माने ऑब्जेक्ट रो नॉलेज बहुत बेटर हमको मिली परबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा आइसोमेट्रिक ड्राइंग इट इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस ऑफ ए क्यूब आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री with each other instead of drawing the edges in the above said way first we can also start from point A at this point also three mutually perpendicular edges met while two of these edges make 30 degree to horizontal the other edges is vertical after drawing two 30 degree lines and one vertical line parallel line are drawn to कंप्लीट द क्यूब ये से कौन कही आम जो बेस लाइन अच्छी ता सहित 30 डिग्री आम ड्र करवा 30 डिग्री रे आम ड्राइंग स्टार्ट करवा आउ गोटे बेस सहित 90 डिग्री रहिबो आउ एठी 120 डिग्री फॉर्म होची तो या विषय रे डिटेलिंग मु ड्राइंग करी की देखेबी जहाँ द्वारा कि सब स्टूडेंट्स मानंकु या उपरे नॉलेज पड़े आसीबो को भले हमें ड्राइंग करिबा केमती ड्राइंग करिबा आउ बेसिकली हमें ड्राइंग को
जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग अच्छी ताकू टू टाइप्स रो करू बॉक्स मेथड गोटे क्यूबॉइड थाए क्यूबॉइड अंडर रे हमें ड्रॉइंग को फॉर्म करू आ गोटे आसला ऑफसेट मेथड बॉक्स मेथड रे कौन हुए ये जो बॉक्स मेथड अच्छी इटी कौन हबो द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी इनसाइड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ये जो बॉक्स भीतर हमें एज्यूम करवा दरकार जे ऑब्जेक्ट जो जे कोनोसी भी ऑब्जेक्ट हमर अच्छी सी ए रेक्टेंगुलर बॉक्स भीतर अच्छी स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर लोकेटेड एंड मार्क्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट ये सब जॉइन करके हमें ये जो ड्रॉइंग को करवा आउ अननेसेसरी पार्ट्स को इरेज कर दबा तो या को भी मु डिटेलिंग रे बुझेबी ऑफसेट मेथड कोनो हमें जो बॉक्स बॉक्स किछि यूज करवानी दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ऑब्जेक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स एट ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल हमें देकी एटी कोनो बॉक्स हमें कर देउतलु बॉक्स भीतर हमें ड्रॉइंग कर देउतलु लाइक दिस बॉक्स भीतर कर देउतलु बट ऑफसेट मेथड जो थी सिठी बॉक्स रो किछ आवश्यकता ना हमें डिफरेंट एंगल्स दे करिवा जदि बेसिक हमें जमिति आगुरु एंगल विषय पढ़िले सिठी एठी देखंतु यारो 30 डिग्री एठी पळेला गोटे स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री ए टू 30 पळेला माने 60 डिग्री माइनस हे गेला आ रहला 120 डिग्री रो एठी जदि हमरो 90 डिग्री गला देन ए जो एंगल आसीबो ओके ये जो एंगल आसीबो ये एंगल केते आसीबो फर्स्ट देखिबा ए टू 90 गला ये 30 देन ये आसला हमर 60 आसे तो ये जो डिटेलिंग टा मु ड्राइंग करी की देखेबी एबे ड्राइंग करी की देखेबी जहा द्वारा की बुझिवारे सुविधा हबो सो ए पेज को हमें एठी रखिबा देखंतु मु एबे जोटा कहतली बॉक्स मेथड एंड ऑफसेट मेथड दिस मेथड्स आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर आइसोमेट्रिक व्यू इन्वॉल्विंग नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस बट आल्सो फॉर द आइसोमेट्रिक व्यूज इन्वॉल्विंग आइसोमेट्रिक लाइंस ओके सो ड्रॉइंग करिकी मु एबे देखौची एठी देखि पाइबे आमे गोटे पेज को पळे आछ जोठे आमे ड्रॉइंग करिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मु गोटे क्यूबॉइड बने की देखौची आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग जेटा क्यूबॉइड को आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग रे रिप्रेजेंट करबी से हिसाब रे हमें क्यूबॉइड रो लेंथ ब्रेथ हाइट मु लेंथ ने भी एठी लेंथ ने भी 50 mm ब्रेथ ने भी 30 mm आउ हाइट ने भी 15 ओके तो ए भले मु ड्राइंग टा करी के देखेबी फर्स्ट ऑफ ऑल मु जेमति कहितली हम को कोन करबा पडिबो 30 डिग्री ड्रा करबा पडिबो एटा देखंतो 23 24 ए भले आसला 30 डिग्री एठी मु डायमेंशन केते देबी लेंथ हमर अछि 50 mm ओके ड्रॉइंग ही गला 30 डिग्री रे नेक्स्ट आसिला ब्रेड्थ केते अछि हमरो 30 mm अगेन एठी मध्य मने भी 30 डिग्री जोटा कि एपोटर देखिले 150 हबो साइज 30 mm ओके हाइट जोटा हमरो 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू बेस आसीबो जो भाया कही परपेंडिकुलर टू बेस यार डायमेंशन के 15 सिमिलरली एटी मध्य मु हाइट नहीं जीवी यार डायमेंशन 15 अगेन एटी मध्य हाइट नहीं जीवी डायमेंशन 15 देन मु एको जॉइन कर देबी ऑल द पार्ट्स जॉइन हेगला ऑटोमेटिकली तो
इठी जो एंगल नेबी मु जो पॉइंट रे एंगल एबे ड्रॉ करबा को जाउची एटा इंपोर्टेंट ए एंगल हम को फाइंड आउट करबा पड़ो मु याको तो 90 डिग्री टू बेस नै गेली जा दरा कि ए जो दीटा लाइन भितर ए दीटा लाइन भितर 120 डिग्री ड्रॉ होईची तो ए जो दीटा लाइन भितर 60 डिग्री ड्रॉ होईची एबे एठु जो लाइन मु ड्रॉ करबी से ए एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करबो ए एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करबो जहाँ द्वारा कि ये ऑटोमेटिकली 120 डिग्री मध्य फॉर्म हो तो ताको हम को ध्यान रे करबा पड़िबो सो ड्रॉ करबा ये हला हमरो 50 मु जॉइन कर दिली सिंपली एठी ड्रॉ हो गला मोर आइसोमेट्रिक ऑब्लिक ड्राइंग जोटा एबे याको मु डायमेंशन दे देबी15.14 देखोची बट ये 15 आसीबो मैं तो अभी ड्रॉ भी करी ची 15 हिसाब रे हैं और टिक के मार्क ही पड़ने सो फॉर्म है गला हमरो आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ ए क्यूबॉइड तो ए भलिया हमें ड्राइंग करबा मु अगेन रिकॉल कर दो छी मु कोठी कोन करी छी जदी हमें याको गोटे पैरेलल लाइन नबा ताले 30 डिग्री ड्रा हबो आ जदी ए दीटा लाइन भितर हमें एंगल फाइंड आउट करबा ताले 60 डिग्री ड्रा हबो आपन ऊपर रहला को वे रे हमें ड्राइंग करबा मु सब एंगल विषय रे इन्फॉर्म कर दो छी नेक्स्ट जदी पैरेलल लाइन को बेस करके हमें जो सेट स्क्वायर को रखिकी जदि करबा एठी हमें 90 डिग्री फॉर्म करबा अदरवाइज जदि ए दीटा लाइन भीतर हमें एंगल फाइंड आउट करबा ताले एठी 120 डिग्री फॉर्म करबा बाध्य सिमिलरली ए जो लाइन अछि एठी हमें 120 डिग्री फॉर्म करबा जेमति एठी करथिले 120 डिग्री ए सब 120 डिग्री फॉर्म कर करबा ए जो एंगल गुडा को एपर साइड जेमति हम करछे लेफ्ट साइड राइट साइड भी सिमिलरली हबो आओ हमको ये जो डायमेंशन गुड़ाक टिके ध्यान देकी पकेबाक पड़िबो जदि डायमेंशन रे किछि भी प्रॉब्लम्स तैयारी हो जाए ताहाले ड्राइंग रे बहुत मिस्टेक्स देखिबाक मिलिबो सो इटा तो गोटे रहला गोटे सिंपल एग्जांपल मु देखेली आमे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स केमति करबा आ गोटे ड्राइंग भी एबे करबा एबे आ गोटे ड्रॉइंग करबा सेम आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग जहाँ द्वारा कि मु दीटा एग्जांपल काहे दे छी दीटा एग्जांपल देले बुझिबारे हमको इजी हो जाए एटा तो मु गोटे सिंपल क्यूबॉइड करके देखेथिली बट एबे गोटे ब्लॉक डायग्राम बा गोटे पार्ट आमे करके देखिबा सेटा कोहले आमे ड्रॉइंग करबा फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली 30 डिग्री रे मु साइज कह दे छी 40 ब्रेड लेंथ ला 50 देन एठी ला 50 हाइट हमें नबा 30 ये पाखिर मंथे हाइट नबा 30 ड्रॉइंग टाकु टिक्के भलो रे आइडेंटिफाई करंतु केमती मु ड्रॉइंग करूची को भला ड्रॉइंग करूची
एठी 15 ए भितरे मु हाइट रे डिफरेंस कली ए जो हाइट अछि हमरो या को 30 नेली ए हाइट को 30 नेली बट ए हाइट को 15 नेली काई ना एटा गुटे सिंपल कीवर्ड नै ये ड्राइंग टिके कॉम्प्लिकेट अछि स्लाइटली चेंजेस अछि ड्राइंग रे हमें नोटबुक रे भी हमें देखि परबा फिगर 6 आइसोमेट्रिक ड्राइंग रो फिगर 6 रे एटा अछि सो मु सेथि में करू छी ध्यान दियंतु भल रे ए सब तो 90 डिग्री रे मु फॉर्म कर देली एबे ए जो एंगल फॉर्म करबी ए एंगल मोरो 210 एठी देखो छी किंतु एठी मु डायमेंशन नै जाउ छी 15 यस एठी 210 देखो छी बट आमे जदि ए दीटा लाइन मध्ये रे एंगल फाइंड आउट करबा ताले ये हबो हमरो 60 डिग्री जोटा कि मु अबे ऑटोकैड करू छी सेथि पे टिके आपण मन को लागथिबो अलगा बट आमे सेट स्क्वायर यूज करकि कले ये 60 डिग्री ही आसीबो तो ऑटोकैड पे किछि वरी हेबा दरकार नै मु जो प्रोसेस रे कहू छी से प्रोसेस को फॉलो करंतु जहा द्वारा कि बुक रे भी इजीली करि परबा देन एठी हमरो डायमेंशन रहइबो 2 क्यूबर्ड रे हमें जेमती डायमेंशन नो से बड़ा डायमेंशन नै जबा ओ जॉइन कर दबा देन एठी आ गुटे एंगल मु फॉर्म करछि एठी देखि परथिबे हमरो ए 30 डिग्री होचि जोटा कि 60 डिग्री तारो पाखा पाखी लाइन सहित जदि आमे एंगल फाइंड आउट करियो चेष्टा करियो ताहले से हब हमरो 60 डिग्री तो ड्राइंग को भलो रे देखंतु सब कुछ ऑटोमेटिकली बुझा पड़ जइबो आउ जे कोनोसी स्टूडेंट को भी जे कोनोसी पॉइंट रे ड्राइंग बुझा न पड़े से डायरेक्टली कमेंट करि परिबे अदरवाइज मते मेसेज मध्य करि परिबे ड्राइंग आमे केमती करू छे सो बेटर आमे क्लास रे जेंती आमे सेट स्क्वायर यूज करी करू छु मु तो एठी सेट स्क्वायर यूज करी की करिबेटा टिके क्वाइट इम्पॉसिबल हि जाउ छी इम्पॉसिबल तो कहि परिबे नै बट डिफिकल्ट हो छी बट मु भाबु छी ए जो वे मु जो बुझौ छी ए वे रे टिके पिला को बुझिबारे इजी हि जिवो आउ ए वे रे हमको ड्राइंग टा पूरा इजीली ड्रॉ हो जाउ छी यस ड्राइंग कंप्लीट हो गेला एबे डायमेंशन प्रोवाइड करिबा ड्राइंग गुडा करो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिटी पार्ट रो डायमेंशन दे दिया हबो each and every part or dimension ये 15 ही अच्छी बट इठी मो छोटो स्क्रीन रे बट एक्यूरेटली टच कर पाने से थी पे के अप्स एंड डाउन्स जाना पड़ेगा बट डोंट वरी बुक रे जितने बड़ा मैं ड्राइंग करेगा से तब बड़ा सब कुछ ही ओके ही लगेगा सो ही गला ड्राइंग तेरी ही गला तो नॉर्मल क्यूबॉइड परे मध्य मैं ए भलिया पार्ट्स गुडा कर ड्राइंग भी केमती करबा से विषय रे मु आइडिया दे देली
ये अगेन टी बुझे चाहेबी ड्रॉइंग को ये जमती कीबोर्ड बनवा कथा से भाया मुझे कीबोर्ड हिसाब से ही या ड्रइंगटा वीडियो तो कौन जगह कट है जहाद्वारा कि बुझे असुविधा हेने सिंपली कीबोर्ड जमी हुए से भाया ही या पाखे पार्टस एमती कट है ये जो 15 हाइट रे यार एंगल किसी भी आमको मेनसन कराएनि आम डायरेक्टली जॉइन करी परिबा ये जो पार्ट बस इतनी की ही है जी। सो आशा करूँ तुम मैंने ड्रॉइंग करी मत कमेंट करेंगे इवन फास्टेस्ट स्टूडेंट्स भी यहाँ ट्राए करेंगे ट्राए कला कमेंट मत करेंगे कमेंट बॉक्स रे ड्रॉइंग करी सीटा पोस्ट करेंगे देखिए किए के बेटर बुझीपार तो आज क्लास ये नेक्स्ट क्लास मु जो आइसोमेट्रिक ऑब्लिक ड्रॉइंग्स को भलरे आउ गोटे दुटा क्लास रे बुझेला परे व्यूज पढ़ेबी। सो कौन भी वीडियोस मिस करेंगे नहीं कौन भी वीडियो स्किप करेंगे नहीं जहाद्वारा कि बुझे कौन भी असुविधा न हो। थैंक यू।